हम लोग रूम ले चुके हैं और मेकअप कर रहे हैं जल्दी जल्दी। अभी रायमा भी आएगी इसी रूम में अपना मेकअप लेके। गाइस ये रहा हम लोग का आउटफिट। हम लोग रेडी हो गए, बहुत जोर का भूख लगा हुआ था इसलिए हम लोग खाने आए हैं। और यहाँ पे रायमा नंदिनी, हम लोग सब बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये भी खाना आ गया जिसका हम लोग वेट कर रहे थे। चलो खाओ खाओ खाओ। गाइस इतना तेज भूख लग रहा है कि हम लोग रुक ही नहीं रहे, बस खाते जा रहे खाते जा रहे हैं। खाना भी टेस्ट किया यार। अच्छा सर्विस बहुत बेकार है सच में, सब चीज़ के लिए बोलना पड़ा। सब्जी चाहिए इसमें। हम लोग का सवारी निकल चला घूमने के लिए। अभी सबसे पहले हम लोग चौकी धारी घूमेंगे, वहीं पे पूरा टाइम हम लोग का लग जाएगा। जयपुर में रहने थोड़ी आए, जाएंगे तो पटना ही होता है। अपनी मातृभूमि को नहीं बोलना चाहते हो? वो तो इंडिया है। जन्मभूमि तो इंडिया है हमारा। एक चीज यहाँ का यहाँ पे, एक चीज तुम लोग का नहीं आ रहा था यार। मेरा किधर, हमको तो दिखाओ। अरे लो वाला ऐसे भी कट होने वाला है। नहीं अभी हम लोग जा रहे चौकी धानी। चौकी धानी पहुँचते पहुँचते हम लोग का धानी हो गया। कुछ भी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है, जितना भी रोड पर भी देख देखे। ओ वाओ गाइस आ गए हम लोग फाइनली। चौकी धानी वाओ गाइस कितना सुंदर लग रहा है ये सब। ये वाइब कितना सुंदर है। यहाँ का हम लोग को अभी पेमेंट करना होगा 900। और अगर 500 लगेगा ना आपका, तो 550 लगेगा। मजाक नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ 1100 का रॉयल थाली, लेकिन हम लोग ये करेंगे कि मैं गरीब हूँ। यस वी आर गरीब। मेरा एक फोटो मान ले दो ना। एंड चलो चलो गाइस अंदर आ गए हम लोग। ओह वाओ अब लग रहा है हम लोग राजस्थान आ गए। मेरे लिए भी ले लो, लाओ ये मिला है गाइस फ्री में पीने के लिए।
अब हम लोग बोटिंग करने जा रहे हैं यहाँ पे। कितने का है? 20 रुपए। बैठो आप। चलो। अंदर फिश है, बहुत सारी। हाँ। वाह, स्काई कितना सुंदर लग रहा है। हमको लगता है ना कल धूप हो जाएगा। हमको भी लग रहा है। उसको पेंटिंग में बनाने से मज़ा आया था एक्चुअली। हाँ लेकिन खाना अंदर। वाह, खाना अंदर खिलाता है, बाहर नहीं खाता। इधर क्या हो रहा है? वो पता है यहाँ वैष्णो देवी मंदिर भी है। हाँ वैष्णो देवी मंदिर। ओ, ये मंदिर है ना? ये वैष्णो देवी मंदिर है गाइस, ये जो है। और यहाँ पे भी बहुत सुंदर हो रहा है। मजे आ गए अंकल। गाइस बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस मज़े आ रहे हैं, मज़े बहुत। व्यू बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर। अभी का व्यू लेना चाहिए हमें। हाँ ये लो ना जल्दी। ये देखो सब लाइट है। ये सब लाइट है गाइस, हम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए। कोई बात नहीं, फिर से आएंगे। गाइज इतने हिम्मत के बाद हम ऊँट पे बैठने का टिकट ले ही लिए। हमारी ब्लॉगर सीनियर और ये ऊँट। वो और ये गाइज हमारी ब्लॉगर चली गई रहीमा दी।
उसको लेके जा रहा है। जा ऊंट किडनैप कर रहा है गाइस हमारी ब्लॉगर को। और गाइस ये नहीं, ये नहीं हमारी ब्लॉगर। ये रही हमारी ब्लॉगर, देखिए गाइस। अब ऊंट को बैठने का मन नहीं है गाइस। जा ऊंट को बैठने का मन नहीं है गाइस। ऊंट अरे यार आवत आवत ना साथ में। यहाँ का वाइब बहुत अच्छा है गाइस। हमारी ब्लॉगर गाइस जा रही है मेहंदी लगवाने। और यहाँ ना अभी नहीं खाओ ना, घूम के आते हैं। पैसा मांगने का नया तरीका है, राम राम सारे राम ने कर कर के सब लोग पैसा मांग रहा है। राम 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 राम। नो टिप्स प्लीज इन केस ऑफ डिमांडिंग टिप्स प्लीज कॉल। यस गाइस ये लोग अभी गेम खेल रही है। कौन सा गेम? इसका नाम हमारी ब्लॉगर मैम खेल के दिखाएंगी। और गाइज हमारी व्लॉगर यहाँ पे नई नई चीजें ट्राई करते हुए बैठिए भाई। नहीं नहीं ठीक है। मेरा छोटा है ये राइमा दी का। गाइज देखिए हम क्या बनाए, ये क्या चूरी बॉक्स, इसका ये ढक्कन है, सूख जाएगा उसके बाद हम आपको दिखाएंगे होटल में। चलिए फिलहाल चलो गाइस हम लोग भूल भुलैया में घुस चुके हैं।
और पता नहीं निकलेंगे कि नहीं। ये है कलर ड्राम, हम वहाँ जाते हैं। यहाँ रायमा ट्राई कर रही है इसको बनाने का। क्या खोलने का बात कर रहे हो गाइस? ये खुलने वाला मेरा, लेकिन अभी नहीं इसको खोलने में। मन तो कर रहा है तोड़ दे, मेरा मन कर रहा है मैं तोड़ दे। अंकल कितने का है? बोल बोल कितने का है? अलग अलग है। ऐसा पतला वाला कितने का होगा? हम लोग यहाँ जा रहे हैं, प्लीज आप लोग यहाँ जा रहे हैं। कुछ बताइए आप हैं कहाँ, ब्लॉगर आप हैं कहाँ, बताइए कुछ। आर्ट की दुनिया में है सब कुछ, आर्टिस्ट है, वो मार्वल है, और फिर यहाँ पर जैसे हैंड वर्क किया हुआ है, रेजर है, कुछ ये सब पेंटिंग्स हैं, वाटर कलर है, यहाँ पर पेंटिंग्स हैं। कितना घंटी बजाई रहा है माँ? बोलो रायमा दी रिव्यू। रायमा और शुभम लेने आया है कुल्फी, मटका कुल्फी। वाह सुंदर लग रहा है, टेम्पटिंग। मिल गया इसको, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, एक कुल्फी ठंडा ठंडा एकदम। अच्छा ये मटका में रखा है इसीलिए मटका कुल्फी। हाँ तो अरे टेस्ट करना। खा के देखो तुम। गाइज हम
हम लोग आ गए यहाँ खाना खाने के लिए चौकी धानी में, और मेरा पेट एकदम भरा हुआ है, कुछ नहीं खा पाए, पता नहीं लाके रख के हम क्या करेंगे। और हम लोग पेमेंट कर चुके हैं लेकिन खाने के लिए जगह नहीं है। खाना मिलना शुरू हो चुका है और ये दिया जैसा कुछ है जिसमें मक्खन डाल के दिया, बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत ज़्यादा यार ऐसा कॉन्सेप्ट है पटना में खोला जाए रेस्टोरेंट। और ये है व्यू, गाइस यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, ये लोग सर्व कर रहे हैं एकदम थोड़ा सा खाओ यम ओके बहुत। अनीश नंदनी खाओ पूरा पार्टी खाओ ने। गाइस ये है दाल, ये है बाटी और ये है चूरमा। और आप लोग को लग रहा होगा कि चूरमा नमकीन होता है, नहीं ये मीठा है, हलवा जैसा है, सूजी का हलवा। अब हम खा पाएंगे सारे हर चीज़ रियली टेस्ट गिरा मत देना वो टेढ़ा। पानी लीक कर रहा है क्या मेरे बाल में से? नहीं लिट्टी भी अच्छा लिट्टी। ये गेहूं का रोटी है गाइस और ये मक्के का, मक्के का बाजरे का रोटी, तीन तरीके का रोटी मिला है। गाइस खाना तो नहीं खाया गया लेकिन ऐसे ही हाथ धोया जाता है यहाँ, और इसी में पानी मिला था और वो छाछ का ग्लास है। दो तीन दिन तक इतना खाना हो गया कि दो तीन दिन तक कोई कुछ नहीं खाएगा। लिपन आर्ट ये है, इतना सुंदर लग रहा है ये, और यहाँ सब लोग खा रहा था। गाइस लिटरली है तो बहुत अच्छा बट खाना फालतू का वेस्ट हो रहा है, इतना नहीं देना था, खा तो बहुत टेस्टी है बट इतना ज़्यादा नहीं देना था। अनीश अब चार दिन तक बोले कि अब हमको भूख नहीं लगा है। गाइस हमारी छोटी ब्लॉगर सीनियर, गाइस पता है मेरा भाई जो है ना अभय कुमार कुत्ता, वो मेरा हर टाइम मजाक उड़ाता है कि तुमको देखने के लिए हमको ऐसे करना पड़ता है, पता नहीं पैर के नीचे दब गए, ओ माय गॉड। गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, राम राम सा।